हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो अंगों के कम या अधिक उपयोग होने का सिद्धांत फ्रांस के प्रसिद्ध जीव शास्त्री जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क जो है, जिसका जन्म 1744 और 1829 में इसकी मृत्यु हुआ था। ओके, इन्होंने ही जैव विकास प्रक्रिया को समझाने के लिए सर्वप्रथम उपार्जित लक्षणों का पंचागति सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो उनकी पुस्तक फिलोसफी जियोलॉजिक में सन 1809 में प्रकाशित हुआ। उन्होंने अंगों के उपयोग अनुपयोग के प्रभाव का सिद्धांत भी दिया। उनके विचार लैमार्कवाद के नाम से प्रसिद्ध है। उनके अनुसार वातावरण के प्रभाव से अंगों में आकार वृद्धि की प्रवृत्ति होने के कारण तथा शरीर के कुछ अंगों का प्रयोग अधिक वे कुछ का कम होने के कारण अधिकांश उपयोग में आने वाले अंग अधिकांश विकसित या तो गलत है, ठीक है, विकसित हो जाते हैं, जबकि कम उपयोग में आने वाले कम विकसित हो जाते हैं। ये विकसित सही है, ये जैसे विकसित लिखा हो ना वैसे ऊपर में लिखेगा विकसित, ठीक है, ये और विकसित, ठीक। कुछ अंगों को लगातार अनुपयोग होने के कारण उनका ह्रास यानी कि कमी, ह्रास मतलब कमी, कमी भी होता है यानी ह्रास होता है, और ये अवशेषी अंगों के रूप में शेष रह जाते हैं या फिर लुप्त हो जाते हैं। जीवों के जीवन काल में या तो वातावरण से के सीधे प्रभाव से या फिर अंगों के अधिक अथवा कम उपयोग के कारण जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। ये लक्षण वंशगत होते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले संतानों में पहुँचते रहते हैं। इस प्रकार हजारों वर्ष पश्चात संतानें अपने पूर्वजों से पर्याप्त भिन्न होकर नई नई जातियों का रूप ले लेती है। सो थैंक यू।